हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं विजन आईएएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस 365 का अगला लेक्चर। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम मिसलेनियस टॉपिक कवर कर रहे थे और हम लोगों ने क्लीन टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स तक को कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर के जरिए दोस्तों, एटॉमिक न्यूक्लियर फील्ड एडवांसमेंट के टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसके अलावा सोलर फ्लेयर एंड जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म, यहां तक के टॉपिक को कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है कौन सा, एटॉमिक न्यूक्लियर एंड फील्ड एडवांसमेंट में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको CERN शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा CERN से कि यूरोपियन आ रहा है, तो याद रखिए यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। अब समझते हैं ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च न्यूज में क्यों आ गए। लार्ज हैड्रोन कोलाइडर, इसको दोस्तों हाल ही में रीस्टार्ट करा गया है 3 सालों के बाद, ठीक है। 3 ईयर शटडाउन, तो 3 सालों से, 3 साल पहले एक्चुअली इसको शट डाउन हो गया था, लेकिन उसी को अभी रीस्टार्ट करा गया। किसने रीस्टार्ट करा है? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने रीस्टार्ट करा है, इसी वजह से टॉपिक न्यूज में आ गया। अब सिग्निफिकेंस देख लेते हैं ऑफ CERN का। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरीके से इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है। पहला है, फंडामेंटल रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। देख लीजिए, CERN फ्लैगशिप एक्सेलेरेटर इज द LHC। तो याद रखिए, ये CERN का फ्लैगशिप एक्सेलेरेटर है। क्या नाम है? LHC, जो अभी मैंने बताया ना, लार्ज हाड्रोन कोलाइडर, विच ड्यूरिंग 2010 एंड 2013 ब्रॉट प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉन्ग शॉट हिग्स बोसोन पार्टिकल। आपको पता है, बहुत समय से एक तरीके से कंफ्यूजन चल रही थी कि क्या प्रूफ है कि जो हिग्स बोसोन पार्टिकल्स है, इन ये रियली में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। तो इसको लेकर इसी ने, LHC ने, यानी लार्ज हैड्रोन कोलाइडर ने ही प्रूफ किया था कि जो ये हिग्स बोसोन पार्टिकल्स है ना, ये एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल वॉज प्रिडिक्टेड बाय स्टैंडर्ड मॉडल। तो याद रखिए, सबसे पहले हिग्स बोसोन पार्टिकल का प्रिडिक्शन कैसे करा था कि ये होते हैं, किसने प्रिडिक्शन करा था? एक्चुअली स्टैंडर्ड मॉडल के द्वारा करा गया था दोस्तों, ठीक है। अगला फायदा क्या है CERN का, या सिग्निफिकेंस, दूसरा सिग्निफिकेंस ये है, एडवांसिंग द फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, बहुत सारी टेक्नोलॉजी में एडवांस करने में मदद करता है। देख लीजिए, CERN ऑल्सो प्लेज अ वाइटर रोल इन डेवलपिंग द टेक्नोलॉजीज ऑफ टुमारो। ऑब्वियसली जो टुमारोज की टेक्नोलॉजी है उनको डेवलप करने में मदद करता है। पहली टेक्नोलॉजी देख लीजिए कौन डेवलप करी, कौन सी डेवलप करी है, वर्ल्ड वाइड वेब। आप डेली इस्तेमाल करते होंगे WWW का, आपने नाम सुना ही होगा। इट इज द बेस्ट नोन CERN टेक्नोलॉजी। तो याद रखिए, ये CERN के द्वारा ही डेवलप करी गई है। इट वॉज इन्वेंटेड टू अलाउ एन एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइंटिस्ट टू शेयर इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली ये शुरुआत में क्यों इन्वेंट करी गई थी, ताकि जो इंक्रीज नंबर हो रहे हैं साइंटिस्ट का, इनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके, इसलिए वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप करा गया था। और देख लीजिए, और क्या इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। अगला है ग्रिड। ग्रिड का तो आपने सुना ही होगा नाम। ग्रिड हार्नेस द पावर ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। ऑब्वियसली आपको पता है ना, ग्रिड किस लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है, ताकि जो पावर है उसको हार्नेस किया जा सके कंप्यूटर्स की, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। इट हैज बीन डेवलप्ड एट CERN टू द प्रोसेस द वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्टेड बाय LHC एक्सपेरिमेंट्स। अगला देख लीजिए सिग्निफिकेंस, अगला सिग्निफिकेंस ये है, अदर टेक्नोलॉजिकल स्पिन ऑफ। तो और भी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में ये CERN ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। CERN इज कंट्रीब्यूटिंग टू अ बेटर प्लानेट विद नोवल एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज। लाइक कौन कौन सी देख लीजिए टेक्नोलॉजीज इसने डेवलप करी है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लानेट है वो एक तरीके से क्या अच्छा बन रहा है। पहला देख लीजिए, इंडस्ट्री 4.0। तो आपको इंडस्ट्री 4.0, इसके अलावा इंडस्ट्री 1.0, इंडस्ट्री 2.0, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर भी UPSC में मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो CERN ने इंडस्ट्री 4.0 डेवलप करने में मदद करी है। देख लीजिए, इंक्रीजिंग ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी। तो याद देखिए, इसमें इंडस्ट्री 4.0 में क्या करा जाता है, ऑटोमेशन और एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस करा जाता है। कल्चरल हेरिटेज थ्रू आर्ट रेस्टोरेशन। ऑब्वियसली इन्होंने कल्चर हेरिटेज में भी काफी अहम भूमिका निभाई है। कैसे? आर्ट रेस्टोरेशन करके। डेवलपिंग टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द फ्यूचर। बेनिफिट्स टू इंडिया एज एन एसोसिएट मेंबर ऑफ CERN। सोचिए, अगर इंडिया जो है CERN का एक एसोसिएट मेंबर बनता है, तो उसके क्या क्या बेनिफिट हैं? तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। देख लीजिए, हमको एक्सेसिबिलिटी मिलेगी साइंटिफिक डाटा की। ऑब्वियसली भाई, जो CERN वाले डाटा, जो भी इनके पास साइंटिफिक रिसर्च का, वो हमको भी एक्सेस मिल जाएगा।
एज एन एसोसिएट मेंबर इंडिया कैन एक्सेस ऑल डाटा जनरेटेड एट सीईआरएन एज देर आर मेनी एक्सपेरिमेंट इन सीईआरएन देर विल बी प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। ऑब्वियसली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं तो वो डाटा जो है भारत इस्तेमाल कर सकता है रिसर्च के लिए। अगला फायदा है इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी। इंडिया एसोसिएट मेंबरशिप स्टेटस एंश्योर्स इंडिया हैज लार्जर से इन डिसीजन रिगार्डिंग साइंटिफिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स एट हाईएस्ट लेवल। ये भी फायदा है। अगला फायदा है एक्सेस टू रिसर्च फैसिलिटी। ऑब्वियसली जो सीईआरएन की रिसर्च फैसिलिटी है उसका भी हम इस्तेमाल कर पाएंगे अगर हम इसके एसोसिएट मेंबर बनते हैं। इंडियन साइंटिस्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्टाफ अपॉइंटमेंट्स एट सीईआरएन। इंडियन ग्रेजुएट एंड डॉक्टोरल स्टूडेंट्स कैन अटेंड डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स हेल्ड बाय सीईआरएन। तो ये सारा का सारा फायदा है। अगला फायदा है बेनिफिट्स फॉर इंडियन इंडस्ट्री। भारत की इंडस्ट्री के लिए कैसे फायदा है, देखिए इंडियन इंडस्ट्री कैन बिड फॉर सीईआरएन कॉन्ट्रैक्ट। सोचिए भारत की जो इंडस्ट्री है सीईआरएन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड कर सकती है, ठीक है। अलाइंग फॉर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च। अगला फायदा है फुल मेंबरशिप का। देख लीजिए अगर इंडिया एसोसिएट मेंबर बनेगा पहले तभी तो फुल मेंबर बनेगा ना। इंडिया ऑल्सो हैज द ऑप्शन फॉर अप्लाइंग टू बिकम द फुल मेंबर आफ्टर 2 ईयर्स। ऑब्वियसली 2 ईयर तक आपको एसोसिएट मेंबर बनना पड़ेगा, उसके बाद आप फुल मेंबर भी बन सकते हो। फुल मेंबरशिप विल ग्रांट इंडिया द राइट टू वोट। ऑब्वियसली जब इंडिया फुल मेंबर बन जाएगा तो भारत के पास वोटिंग का भी राइट आ जाएगा। तो ये सारे के सारे फायदे हैं आप लिख सकते हो। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन में कह सकते हैं इट इज एक्सपेक्टेड दैट द अपग्रेडेड एलएचसी मे फाइंड एन अननोन फिफ्थ फोर्स ऑफ नेचर एंड डार्क मैटर दैट मेक्स अप द मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स। ऑब्वियसली ये रिसर्च इस वजह से मतलब इतनी तगड़ी रिसर्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जो फिफ्थ फोर्स है नेचर की जिसको और इसके अलावा डार्क मैटर उसकी भी खोज कर सकते हैं। दिस वुड ब्रिंग अ पैराडिग्म शिफ्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। एज इंडिया हैज बीन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट एनी न्यू डिस्कवरी वुड ऑल्सो फर्दर एनहेंस द इमेज ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक मिलियू। ऑब्वियसली अगर कोई भी नई डिस्कवरी होती है तो इंडिया के भी एक अहम भूमिका रहेगी इस रिसर्च में, ठीक है। अब इसके बारे में जान लीजिए, बार बार मैं एलएचसी के बारे में बात कर रहा था ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लीजिए। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है। क्या है, पार्टिकल एक्सेलरेटर। इट फर्स्ट स्टार्टेड अप इन 2008 एंड रिमेन्स द लेटेस्ट एडिशन टू सीईआरएन्स एक्सेलरेटर कॉम्प्लेक्स। तो याद रखिए इसको सबसे पहले 2008 में शुरू करा गया था और ये अभी भी एक लेटेस्ट एडिशन बना हुआ है सीईआरएन के एक्सेलरेटर कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। एलएचसी इज अ पार्ट ऑफ सीईआरएन, मैं बता ही चुका हूं। इट कंसिस्ट ऑफ रिंग ऑफ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। तो याद रखिए इसमें क्या है, रिंग ऑफ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स है विद अ नंबर ऑफ एक्सेलरेटिंग स्ट्रक्चर टू बूस्ट द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स अलोंग द वेव। इनसाइड द एक्सेलरेटर टू हाई एनर्जी पार्टिकल्स बीम्स travel at close to the speed of light before they are made to collide. There are 4 particles detectors to record the tracks left by debris from the collision. ठीक है, आपने जान लिया LHC के बारे में। How the Large Hadron Collider works आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इतना important नहीं आपके लिए। अब समझ लेते हैं इसी से related कुछ और news. 10 years of Higgs boson, समझते हैं। आप पहले जान लीजिए Higgs boson होता क्या है। तो साइंटिस्ट रेफर टू हिग्स बोसोन एज द गॉड पार्टिकल। तो याद रखिए हिग्स बोसोन को ही गॉड पार्टिकल भी बुलाया जाता है बिकॉज इट इज वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन। तो याद रखिए जो यूनिवर्स की क्रिएशन हुई है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कराया किसने, हिग्स बोसोन ने। इसी ने ही एक तरीके से यूनिवर्स की क्रिएशन में मदद करी है ऐसा बोला जाता है। इट वॉज फर्स्ट प्रिडिक्टेड बाय पीटर हिग्स इन 1960। तो याद रखिए सबसे पहले हिग्स या गॉड पार्टिकल का एक तरीके से प्रिडिक्शन किसने करा था, पीटर हिग्स ने करा था। तो इन्हीं के सरनेम पे इस पार्टिकल का नाम भी रख दिया गया, ठीक है। हिग्स बोसोन इज द फंडामेंटल पार्टिकल एसोसिएट विद द हिग्स फील्ड, अ फील्ड दैट गिव्स मास टू अदर फंडामेंटल पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन एंड क्वार्क। समझ में आ गया, तो ये मास देता है टू द अदर फंडामेंटल पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन क्वार्क्स वगैरह। All matter is made up of atom. ये तो आपको पता ही होगा कि सारे के सारे जो मैटर है एटम से बने हुए हैं, ये आपने 5वीं, 6वीं या 7वीं क्लास में पढ़ ही रखा होगा। If you split or open an atom, you will find electron, proton और neutron. Obviously आपको पता है अगर आप एटम को खोलोगे एटम के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, प्रोटोन मिलेंगे और न्यूट्रॉन मिलेंगे। इन प्रोटोन और न्यूट्रॉन यू विल फाइंड सब एटोमिक पार्टिकल्स। ऑब्वियसली अगर आप प्रोटोन और न्यूट्रॉन को और खोलोगे तो आपको अंदर सब एटोमिक पार्टिकल्स मिलेंगे जिनको कहा जाता है क्वार्क्स, लेप्टॉन्स और बोसोन्स। समझ में आ गया।
क्वार्क्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव मास बट द बोसोन्स आर अ सॉर्ट ऑफ फोर्स। तो याद रखिए, देखिए फिर से बोलता हूं, ये न्यूट्रॉनों या प्रोटॉन के अंदर क्या आपको मिलेंगे, ये मिलेंगे क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स और बोसोन। देखिए क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, इनके दोनों के अंदर तो मास होता है, लेकिन जो बोसोन है ये एक तरीके की फोर्स है। क्या है? फोर्स। ठीक है, अब देख लीजिए सिग्निफिकेंस क्या है हिग्स बोसोन का, इनका सिग्निफिकेंस समझना भी जरूरी है। इट वुड हेल्प टू अंडरस्टैंड एज व्हाई एलिमेंट्री और फंडामेंटल पार्टिकल्स स्मॉल, आपको पता ना फंडामेंटल पार्टिकल स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नेचर होता है मास। तो हमें ये समझने में मदद मिलेगी, सोचिए ना अगर हम हिग्स बोसोन को समझ लेते हैं तो भाई इनके अंदर मास क्यों होता है। ठीक है, व्हाई एलिमेंट्री या जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लॉक है नेचर के उनके अंदर मास क्यों होता है, इसको समझने में मिलेगा। इसके अलावा हिग्स बोसोन हैव कंफर्मड प्रेडिक्शन ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, आगे समझते हैं। इट इज सेट ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला एंड मेजरमेंट डिस्क्राइबिंग फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड देयर इंटरेक्शन, इसमें मदद करेगा। इसके अलावा इट कंटेन्स 12 फंडामेंटल मैटर पार्टिकल्स कैटेगराइज्ड क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, थ्री फोर्सेस दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यू टेक्नोलॉजीज, या देखिए न्यू टेक्नोलॉजीज आर कंटिन्यूसली बींग डेवलप्ड फ्रॉम पार्टिकल एक्सेलरेटर्स सच एज LHC डिस्पाइट देयर प्राइमरी गोल ऑफ सर्चिंग फॉर द पार्टिकल्स लाइक हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन कैन ऑल्सो हेल्प इन फाइंडिंग साइंस ऑफ डार्क मैटर, ऑब्वियसली इसमें भी मदद कर सकता है। ठीक है, डार्क मैटर आपको पता ना, डार्क मैटर इज द मैटर दैट डज नॉट एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट और या एमिट लाइट। तो ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा डार्क मैटर क्या होता है कि जो ना तो एब्जॉर्ब करता है ना ही रिफ्लेक्ट करता है ना ही लाइट को एमिट करता है, मेकिंग इट एक्सट्रीमली हार्ड टू स्पॉट, इसीलिए आप डार्क मैटर को स्पॉट नहीं कर सकते। तो पहला टॉपिक हमने समझ लिया, चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है हमारा न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी। समझते हैं न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी न्यूज में क्यों आ गया। हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल करा है सुप्रीम कोर्ट में, और इन्होंने बोला कि भाई तमिलनाडु सरकार ने बोला कि हम लोग जो है परमिट नहीं करेंगे। क्या परमिट नहीं करेंगे? इन्होंने बोला कि जो भारत सरकार न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी बनाने जा रही है ना थेनी डिस्ट्रिक्ट में, और ये बोधी वेस्ट हिल्स जो पड़ती है थेनी डिस्ट्रिक्ट में वहां बनाने जा रहे हैं, वो हम बनने नहीं देंगे। इसी को लेकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या फाइल करा है, एफिडेविट फाइल करा है। तो इसी वजह से टॉपिक न्यूज में आ गया न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी। अब समझ लेते हैं न्यूट्रोनोस के बारे में। न्यूट्रोनोस आर टाइनी या न्यूट्रल एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं विच इंटरेक्ट विद मैटर बाय द वीक फोर्स। समझ में आया? फिर से बोलता हूं, न्यूट्रोनोस क्या होते हैं? एक छोटे से न्यूट्रल एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ, और मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वीक फोर्स के जरिए। ठीक है, द वीकनेस ऑफ दिस फोर्स गिव्स न्यूट्रोनोस द प्रॉपर्टी दैट मैटर इज ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट टू देम। न्यूट्रोनोस होल्ड द की टू सेवरल इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल क्वेश्चन। ऑब्वियसली अगर आपको बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चन है उनके आंसर जो है न्यूट्रोनोस ही दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ एंड द एनर्जी प्रोडक्शन इन स्टार्स, स्टार्स में एनर्जी कैसे प्रोडक्शन होता है, इन सभी के आंसर जो है न्यूट्रोनोस के पास छुपे हुए हैं। अनदर पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रोनोस इज इट्स रोल इन डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द कोर ऑनवर्ड्स। इसमें भी मदद, मतलब इसको भी समझाने में मदद कर सकता है कौन? न्यूट्रोनो। ठीक है, अब टॉपिक पे आते हैं वापस कि अबाउट इंडिया बेस्ड न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी, जो भारत में अभी न्यूट्रोनो बेस्ड ऑब्जर्वेटरी बन गई इसके बारे में समझते हैं। तो इंडिया बेस्ड न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी को शॉर्ट में INO कहा जाता है। INO विल ऑब्जर्व न्यूट्रोनोस प्रोड्यूस इन द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों ये हम लोग जो है लेबोरेटरी क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं ताकि जो भारत में, भारत जो सरकार जो है या साइंटिस्ट जो है भारत के, वो ऑब्जर्व कर सके न्यूट्रोनोस को जो कि अर्थ के एटमोसफेयर में प्रोड्यूस किए जाते हैं। द साइट आइडेंटिफाइड इन द बोधी वेस्ट हिल्स इन द थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, ऑब्वियसली। और सबसे बढ़िया जो साइट इन्होंने भारत सरकार के साइंटिस्ट ने चूज करी है वो यही चूज करी है थेनी डिस्ट्रिक्ट में, और यहीं पर यह न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी बनाना चाहते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है मल्टी इंस्टीट्यूशनल एफर्ट है, इसका एम सिंपल है, बिल्ड करना वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड लेबोरेटरी को फॉर नॉन एक्सेलरेटर बेस्ड हाई एनर्जी न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च इन द इंडिया। ठीक है, तो ये रिसर्च करने के लिए ये न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है। इट इज जॉइंटली फंडेड बाय, याद देख लीजिए दो लोगों ने फंड करा, कौन कौन से? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने जॉइंट मिलकर फंड करा है। प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड करा जाता है, देख लीजिए प्रोजेक्ट के अंदर ये सब कुछ इंक्लूड करा जाएगा। पहला कि हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन करेंगे एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी की, ठीक है, एंड एसोसिएटेड सर्फेस फैसिलिटी की, यहाँ पे पोटीपुरम इन बोधी वेस्ट हिल्स में। द अंडरग्राउंड लेबोरेटरी विल कंसिस्ट अ लार्ज कैबन एंड सेवरल स्मॉलर कैबन इसमें होंगे। इसके अलावा दूसरी चीज देख लीजिए प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आयरन कैलोरीमीटर
डिटेक्टर फॉर स्टडिंग न्यूट्रोनोस, तो ये सेटअप कराया जाएगा न्यूट्रोनोस को स्टडी करने के लिए। इट विल बी अ मैग्नेटाइज्ड ICAL व्हिच विल बी द हैवीएस्ट वन मेड बाय एनी कंट्री। एक और देख लीजिए, सेटिंग अप ऑफ एन इंटर इंस्टीट्यूशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स, तो ये भी इंस्टीट्यूशनल सेटअप कराया जाएगा। ठीक है, कौन सा? इंटर इंस्टीट्यूशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स, ये भी सेटअप कराया जाएगा। कहाँ पे? मदुरई में, फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द अंडरग्राउंड लेबोरेटरी। ऑब्वियसली जो भी ऑपरेशन चलेंगे उसकी मेंटेनेंस करने के लिए अंडरग्राउंड लेबोरेटरी के लिए और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए ये बनाया जाएगा। INO दोस्तों जो है यानी इंडियन न्यूक्लियर न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइए। इंडियन न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी हैज नो स्ट्रेटजिक और डिफेंस एप्लीकेशन। तो साफ साफ सरकार ने बोला है कि भाई जो INO जो हम सेटअप कर रहे हैं इसका कोई स्ट्रेटजिक या डिफेंस एप्लीकेशन नहीं है। इट्स ऑपरेशन इन्वॉल्व्स नो रेडियो एक्टिव रिलीज। साफ साफ सरकार ने बोला कि भाई इसके जरिए हम कोई भी रेडियो एक्टिविटी या टॉक्सिक एमिशन नहीं करेंगे। हाउएवर देर आर कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द प्रोजेक्ट एज एक्टिविस्ट से द ऑब्जर्वेटरी will have devastating impact on local biosphere and people's health। लेकिन देखिए ना, लोग जो हैं इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं वो साफ साफ बोल रहे हैं कि आप जो ये न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी सेटअप करोगे ना, इसके बहुत ही खराब इंपैक्ट होंगे हमारी लोकल बायोस्फेयर पे और लोगों की हेल्थ के ऊपर भी, इसलिए हम ये सेटअप नहीं करने देंगे। सिग्निफिकेंस देख लीजिए इंडिया न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी की, ठीक है। प्राइमरी गोल क्या है? प्राइमरी गोल मैं बता ही चुका हूं, हम न्यूट्रोनोस को स्टडी करना चाहते हैं फ्रॉम वेरियस नेचुरल और लेबोरेटरी सोर्सेज के जरिए। इसके अलावा इट विल टेल मोर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रोनो पार्टिकल। ऑब्वियसली जब आप ऑब्जर्वेटरी बनाओगे और प्रॉपर तरीके से न्यूट्रोनोस को स्टडी करोगे तो उनके और तो आपको फीचर या प्रॉपर्टीज पता चलेंगे ही चलेंगी। द एम इज टू मेक प्रिसीजन मेजरमेंट ऑफ द पैरामीटर्स रिलेटेड टू न्यूट्रोनो ऑस्किलेशन। INO विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एमर्जिंग हाई एनर्जी फिजिक्स सिनेरियो इन द कंट्री। इट विल होस्ट अदर एक्सपेरिमेंट सच एज न्यूट्रोनो लेस डबल बीटा डीके एंड सर्च फॉर द डार्क मैटर। Over the long term, INO is expected to develop into a world-class underground science laboratory, straddling many fields. Obviously, ऐसा अनुमान है कि ये जो है अगर हम लेबोरेटरी बना लेते हैं तो फ्यूचर में जाके ये डिफरेंट फील्ड जो है साइंस की उसमें भी अच्छा कर सकती है, जैसे कि फिजिक्स में, बायोलॉजी में, जियोलॉजी में और अलाइड इंजीनियरिंग फील्ड्स में। स्टूडेंट्स ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद इन द कंट्री विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन रिसर्च इन्वॉल्विंग कटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली इस न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल करके नई नई फील्ड जो है साइंस की, इनमें भी वो लोग जो नए नए बच्चे हैं वो अपना करियर आप मतलब एक तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें रिसर्च में, ठीक है, जैसे कि कटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको भी समझ लेते हैं। पहली चीज तो ये कि भाई जो न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी होती है ये अंडरग्राउंड में ही क्यों लोकेटेड होती है, ठीक है, पहला तो ये क्वेश्चन आता है, तो समझ लीजिए इसका आंसर। क्योंकि भाई ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि आप जो न्यूट्रोनोज हैं उनको सरफेस ऑफ द अर्थ पे डिटेक्ट कर सको, आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए पहला कारण समझ आ गया कि जमीन में क्यों बनाई जाती हैं। दिस इज द रीजन मोस्ट न्यूट्रोनोस ऑब्जर्वेटरीज आर लोकेटेड डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस। वन ऑफ द अर्लीस्ट लेबोरेटरीज इन द वर्ल्ड टू डिटेक्ट न्यूट्रोनो वो लोकेटेड एट कोलर गोल्ड फील्ड माइंस इन इंडिया। आपने सुना होगा KGF के बारे में, इसके ऊपर तो मूवी बनी है। तो भारत में जो लगभग एक ओल्डेस्ट न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी थी वो कोलर गोल्ड फील्ड में बनी थी। देर आर टू टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड लेबोरेटरीज। कौन कौन सी दो प्रकार की अंडरग्राउंड लेबोरेटरीज होती है? पहला इधर लोकेटेड इन अ माइन और दूसरा है रोड टनल। तो यहाँ पे लोकेटेड हो सकती हैं, ठीक है। देर आर नाउ फोर मेजर लेबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड। कौन कौन सी फोर मेजर लेबोरेटरीज हैं अराउंड द वर्ल्ड? पहला तो है सुदबरी इन कनाडा, दूसरी है कैमियोका इन जापान, ठीक है, अंडर द ग्रैंड ससो माउंटेन्स इन इटली एंड इन साउथ इन सूडान सॉडर्न माइंस इन द USA, ठीक है। तो ये मेजर चार न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड हैं। यहाँ पे कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको भी समझ लीजिए। एफिड बाय तमिलनाडु रेज फॉलोइंग कंसर्न्स ऑफ इंडियन न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी। तो देख लीजिए, जो तमिलनाडु सरकार ने एफिडेविट फाइल करा सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने इस एफिडेविट में कुछ फॉलोइंग कंसर्न जताए हैं इंडियन न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी को सेटअप करने को लेकर। पहला इन्होंने बोला टनलिंग वर्क वुड क्रिएट द प्रॉब्लम लाइक कंस्ट्रक्शन वेस्ट मटेरियल। ऑब्वियसली इन्होंने साफ साफ बोला कि जब आप टनलिंग वर्क करोगे तो इसके जरिए कंस्ट्रक्शन वेस्ट मटेरियल निकलेगा, इसके अलावा रॉक बस्ट आएगा, रूफ कोलैप्स हो सकती हैं, रूफ कोलैप्स मूवमेंट इन द इको फ्रेजाइल एरिया। अगला बोला बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट होगा इन द रीजन हार्बर्स मैनी एंडेमिक स्पीशीज। ऑब्वियसली क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज रहती हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट हो सकता है, ये कंसर्न जताया तमिलनाडु सरकार ने। इसके अलावा द एरिया इज अ सिग्निफिकेंट वाटर शेड एंड कैचमेंट जोन फॉर द रिवर संबल एंड कोटाकुडी एंड सपोर्ट्स अ लाइवलीहुड इन द 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु।
इसके अलावा द प्रोजेक्ट एरिया लिंक्स पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला विद शिवा सिविली पुथूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, तो इन दोनों को लिंक करता है। तो आप यहीं पर ऐसी ऑब्जर्वेटरी बनाओगे तो भाई जो लिंकिंग हो रही थी पेरियार टाइगर रिजर्व और मेघमलाई का वो तो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। क्वारिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज विल अपसेट वाइल्ड एनिमल्स विच यूज द कॉरिडोर फॉर सीजनल माइग्रेंट्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे सरकार तमिलनाडु सरकार ने कंसर्न जताए हैं। अगला टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन का। समझते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन टॉपिक न्यूज में क्यों आ गया। हाल ही में साइंटिस्ट इन यूके हैव मैनेज टू प्रोड्यूस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी सो फार फ्रॉम अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो याद रखिए यूके के साइंटिस्ट ने अभी तक की सबसे ज्यादा याद रखिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस करी है, इसी वजह से टॉपिक न्यूज में आ गया। थोड़ा सा और इस टॉपिक के बारे में समझते हैं। अ टीम एट द जॉइंट यूरोपियन टोरस जिसको जेईटी शॉर्ट में कहा जाता है फैसिलिटी, ये नियर ऑक्सफोर्ड पे लोकेटेड है इन द सेंट्रल इंग्लैंड, इन्होंने जनरेट कराया 59 मेगा जूल्स ऑफ सस्टेन फ्यूजन एनर्जी इन अ मशीन कॉल्ड टोकमाक। तो इस मशीन में इन्होंने फ्यूजन वाली एनर्जी डेवलप करी है, ठीक है, प्रोड्यूस करी है। ऑल करंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन द फ्यूजन प्रोसेस। अभी आपको पता है भारत या पूरे वर्ल्ड में जितने भी ज्यादातर मोस्ट है ना जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं ये किस पे आधारित हैं, फ्यूजन पे आधारित हैं, फ्यूजन वाले प्रोसेस पे, ना कि फ्यूजन वाले पे, ठीक है। अब समझ लेते हैं टोकमाक के बारे में, ये जो मशीन है जिसका इस्तेमाल करा गया फ्यूजन के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस करने का। देख लीजिए टोकमाक के बारे में, इनसाइड अ टोकमाक द एनर्जी प्रोड्यूस थ्रू द फ्यूजन इज एब्जॉर्ब्ड एज हीट इन द वॉल्स ऑफ वेसल, ठीक है, विच विल बी यूज्ड बाय फ्यूजन पावर प्लांट टू प्रोड्यूस स्टीम एंड देन इलेक्ट्रिसिटी बाय वे ऑफ टर्बाइंस एंड जनरेटर्स। द डिवाइस यूजेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो ये जो डिवाइस है मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करता है टू कंटेन एंड कंट्रोल द हॉट प्लाज्मा, ऑब्वियसली जो हॉट प्लाज्मा है उसको कंटेन और कंट्रोल करने के लिए, विच इनेबल्स द फ्यूजन बिटवीन द ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेनियम न्यूक्लियर टू प्रोड्यूस ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। प्लाज्मा इज एन आयोडाइज स्टेट ऑफ मटीरियल, है ना, ये तो आपको पता ही होगा ना, प्लाज्मा क्या एक आयोडाइज स्टेट ऑफ मटीरियल है सिमिलर टू गैस। अ गैस बिकम्स प्लाज्मा एट एक्सट्रीम टेम्परेचर, ऑब्वियसली अगर आप गैस को भी प्लाज्मा में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप एक्सट्रीम टेम्परेचर पे उसको कन्वर्ट कर सकते हो। मशीन हैज बीन डिजाइंड स्पेसिफिकली टू प्रोड्यूस 500 मेगावाट ऑफ फ्यूजन पावर, इसलिए याद रखिए ये टोकमाक को इसलिए डेवलप करा गया ताकि 5 मेगावाट ऑफ फ्यूजन पावर प्रोड्यूस कर ही सके, इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेट कर सके द इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर फ्यूजन पावर प्लांट, इसके अलावा अचीव कर सके आर ड्यूटेरियम ट्रिटेनियम प्लाज्मा इन विच रिएक्शन इज सस्टेन्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। इसके अलावा एक और देख लीजिए, टेस्टिंग ट्रिटेनियम ब्रीडिंग सिंस द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ट्रिटेनियम इज नॉट सफिशियंट टू कवर द नीड्स ऑफ द फ्यूचर पावर प्लांट्स। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में। तो आई होप आपने ये 9th-10th में पढ़ रखा होगा फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में, नहीं पढ़ा तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो भी आप आसान भाषा में समझ लीजिए, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो देख लीजिए पहला है क्राइटेरिया, तो यहाँ देख लीजिए लिखा है न्यूक्लियर फ्यूजन लिखा है यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन, पहला समझ लेते हैं एनर्जी रिलीज थ्रू। तो देखिए न्यूक्लियर जो फ्यूजन है इसमें एनर्जी कैसे रिलीज होती है, देखिए इसमें क्या होता है जो भी हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं इनको तोड़ा जाता है, क्या होता है तोड़ा जाता है स्प्लिट कराया जाता है, क्या कराया जाता है स्प्लिट कराया जाता है दो या दो से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियस में, और फिर क्या होती है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, समझे कि नहीं समझे। फ्यूजन फ्यूजन का मतलब होता है, फ्यूजन का मतलब होता है कोई भी जो हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस है उसको तोड़ा जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में और उसके जरिए जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को कहा जाता है फ्यूजन। यहाँ पे पिक्चर भी बना हुआ है देख लीजिए, यूरेनियम है ठीक है, इसको टूटा न्यूट्रॉनों के जरिए फिर एनर्जी क्या हुई लाइटर एलिमेंट न्यूट्रॉनों, ये देखो एनर्जी बट रही है ठीक है। और वहीं फ्यूजन क्या होता है इसमें एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, इसमें कंबाइन करा जाता है दो लाइट न्यूक्लियस को, दो या दो से ज्यादा, देख लीजिए हीलियम ड्यूटेरियम ट्रिटेनियम ये सारे के सारे हैं न्यूट्रॉन, ये सारे के सारे आपस में मिल रहे हैं फिर क्या हो रही है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये मिक्स हो रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे ये दोनों मिक्स हो रहे हैं और इससे क्या निकल रही है हीलियम और न्यूट्रॉन एनर्जी निकल रही है ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फ्यूजन और फ्यूजन में कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और डिफरेंस देख लीजिए फ्यूल कौन सा इस्तेमाल करा जाता है फ्यूजन में, तो दोस्तों फ्यूजन में यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल करा जाता है, एटम्स ऑफ ट्रिटियम और ड्यूटेरियम का इस्तेमाल करा जाता है, ये देखिए पिक्चर देख लीजिए ड्यूटेरियम और ट्रिटेनियम ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है, तो फ्यूजन में दोस्तों जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो काफी कम होती है किसके मुकाबले न्यूक्लियर फ्यूजन के मुकाबले, यहाँ पे वही लिखा हुआ है फ्यूजन में ज्यादा होगी, फ्यूजन में क्या होगी ज्यादा होगी फ्यूजन के मुकाबले ठीक है। वेस्ट जनरेट देखिए फ्यूजन में कौन कौन सा वेस्ट जनरेट होता है, ये देख लीजिए हाईली
रेडियो एक्टिव फ्यूजन प्रोडक्ट्स जो है इसमें प्रोड्यूस होते हैं। इसमें देखिए नो हाई एक्टिविटीज लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट, इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं प्रोड्यूस होता है। ऑपरेशनल लाइफ देख लीजिए, एडिशनल न्यूट्रोनोस कंटेंट्स रिलीज्ड कैन इनिशिएट अ चेन रिएक्शन सस्टेनिंग फ्यूजन रिएक्शन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। इसके अलावा डिफिकल्ट टू सस्टेन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ द टाइम ड्यू टू ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर। ऑब्वियसली आप फ्यूजन को लंबे समय तक के लिए क्या कर नहीं सकते, सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों इसमें जो प्रेशर है और टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा नीडेड होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई न्यूक्लियर फ्यूजन के क्या क्या एडवांटेज हैं, बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो यहाँ पे आपको पता ही चल गया होगा इन दोनों के डिफरेंस से। पहला फायदा है मोर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, देख लीजिए एज मच मोर 4 times इज रिलीज इन द फ्यूजन प्रोसेस देन फ्यूजन। ऑब्वियसली फ्यूजन प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है फ्यूजन के मुकाबले, तो ये एडवांटेज है। ठीक है, दूसरा एडवांटेज मैंने बता दिया था अभी कि ये फ्यूजन जो है कोई भी हार्मफुल जो टॉक्सिन्स हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या अदर ग्रीन हाउस गैसेस उनको रिलीज नहीं करता। अगला है नो रिस्क ऑफ मेल्टडाउन एज इट इज डिफिकल्ट टू रीच एंड मेंटेन द प्रिसाइज कंडीशन नेसेसरी फॉर फ्यूजन। अगला फायदा है लिमिटेड रिस्क ऑफ प्रोलिफरेशन एज फ्यूजन डजंट एम्प्लॉय फिजिकल मटेरियल्स लाइक यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, तो इसी वजह से प्रोलिफरेशन होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, अगला है फ्यूजन फ्यूल्स आर वाइडली अवेलेबल एंड नियरली इनएग्जॉस्टेबल। ऑब्वियसली जो फ्यूजन के लिए जो फ्यूल है ये बहुत ज्यादा अवेलेबल है और लगभग खत्म ही नहीं होगा। प्रोड्यूस मच लेस रेडियो एक्टिव वेस्ट कंपेयर टू द फ्यूजन, तो ये भी फायदा है कि फ्यूजन जो है वो काफी कम रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है जनरेट करता है। ओवर द ईयर साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू ड्रॉ अप द प्लान फॉर फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर, इट इज कॉल्ड ITR। ITR क्या है? इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको भी समझ लीजिए। एक सेकंड दोस्तों, हाँ जी, अब यहाँ पे चैलेंजेस लिखे हुए हैं फ्यूजन के द्वारा। हमने एडवांटेज तो यहाँ पे देख ही लिए, अब थोड़े बहुत चैलेंजेस भी देख लीजिए। फ्यूजन इज पॉसिबल ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर, ये तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूजन जो है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल है। ठीक है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू 100 million डिग्रीज एंड सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे सोचिए ना। एट सच हाई टेम्परेचर मैटर एग्जिस्ट ओनली इन द प्लाज्मा स्टेट, और आपको पता होना चाहिए कि इतने खतरनाक टेम्परेचर पे, इतने हाई टेम्परेचर में जो मैटर है वो तो प्लाज्मा वाली स्टेट पे ही एग्जिस्ट करता है। विच हैज अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड वेरी फास्ट एंड इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू हैंडल एंड वर्क विद। फ्यूजन रिएक्शन आर नॉट इजिली कंट्रोल, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, ये जो है इजिली कंट्रोल नहीं करी जा सकती। एंड इट इज एक्सपेंसिव टू क्रिएट needed condition for fusion reactions। ठीक है, ये सारे challenges हैं। अब जान लेते हैं ITER के बारे में, जो भी मैंने बताया ना International Thermonuclear Experiment Resources के बारे में समझते हैं। ठीक है, International Thermonuclear Experimental Reactor इसके बारे में समझते हैं। इसको लॉन्च करा गया था 1985 में। ITER एक एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर फैसिलिटी है, करंटली जो है अंडर कंस्ट्रक्शन, कहाँ पे? इन कडार्क साउथ ऑफ फ्रांस में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। It aims to provide the feasibility of nuclear fusion as a future source of energy and build world's largest stock market through an international collaboration. ये इसका aim simple है। ITER members देख लीजिए कौन कौन है ITER के members। ठीक है, signatories to the ITER agreement include China, European Union, India, Japan, Korea and Russia and USA. ये सारे के सारे क्या हैं? members हैं। ठीक है, India's contribution, India is responsible for delivery of cryosat। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ITER members जो भी है ना उनके अलग अलग क्या सेटअप कर रखे हैं, responsibility सेटअप कर रखी है। तो भारत की responsibility क्या है? तो भारत की responsibility है delivery of cryostat in wall shielding, cool water system, cryogenic system, heating system, diagnostic, natural beam system, power supplies and some diagnostics। ITER India, ये हमारे यहाँ भारत में जो है देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। ठीक है, इज इंडियन डोमेस्टिक एजेंसी। इसी से रिलेटेड कुछ और न्यूज है, इसको भी देख लीजिए। हाल ही में गवर्नमेंट ने अनाउंस कराया दैट इंडिया विल हैव 9 nuclear reactors बाय 2024। तो याद रखना है आपको कि भारत ने अभी अनाउंस करा था कि 9 nuclear reactors कब तक होंगे? 2024 तक। समझते हैं इसके बारे में और। अभी आपको पता होना चाहिए प्रेजेंटली जो है भारत में 22 reactors हैं विद टोटल कैपेसिटी कितनी है इसकी 22 रिएक्टर्स की 6780 मेगावाट की है। ठीक है, एज ऑन दिसंबर 2021 शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द टोटल इंस्टॉल एनर्जी कैपेसिटी स्टैंड्स 1.7%। सोचिए ना दिसंबर 2021 का आंकड़ा है और इसमें बताया गया कि जो शेयर है न्यूक्लियर एनर्जी का टोटल इंस्टॉल एनर्जी
जनरेशन में वो मात्र और मात्र कितना है 1.7% है, जो कि काफी कम है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। एक सेकंड दोस्तों, हाँ चलिए दोस्तों, इंडियन न्यूक्लियर पावर जनरेशन एनविसाज अ थ्री स्टेज प्रोग्राम। तो आपको पता होना चाहिए जो भारत का न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्रोग्राम है ये एनविसाज करता है थ्री स्टेज प्रोग्राम। तो थ्री स्टेज प्रोग्राम एक तरीके मतलब थ्री स्टेजेस में ये जो भारत का प्रोग्राम है न्यूक्लियर पावर का, न्यूक्लियर पावर जनरेशन का, या तीन स्टेजेस के जरिए चल रहा है। यहाँ पे लिखा है देख लीजिए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हम दोस्तों यूज कर रहे हैं नेचुरल यूरेनियम टू फ्यूल प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। ठीक है, हैवी वाटर एंड मॉडरेटर एंड कूलेंट का इस्तेमाल करा जा रहा है। और दूसरे में आप रीड कर सकते हैं, तो इतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडिया इज करंटली ऑन द सेकंड स्टेज। तो भारत में जो अभी न्यूक्लियर पावर जनरेशन है वो अभी भारत जो है सेकंड स्टेज पर चल रहा है, ठीक है, ऑफ इट्स एम्बिशियस न्यूक्लियर प्रोग्राम। यहाँ पे कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको भी यहाँ पे एक सेकंड दोस्तों नई दी हुई है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर न्यूक्लियर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो भाई न्यूक्लियर डेवलपमेंट की क्या जरूरत आ गई है भारत में, समझते हैं। तो भाई पहला जरूरत यह है कि एनर्जी सिक्योरिटी करनी है भारत को। आपको पता है हम लोग जो है एनर्जी जो है दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, रशिया वगैरह। तो हमको एनर्जी सिक्योरिटी करनी है, तो न्यूक्लियर सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग अ लार्ज स्केल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अचीविंग एनर्जी सिक्योरिटी। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए जो न्यूक्लियर है इससे हम जो है बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनर्जी अचीव करने का। इसके अलावा लेस इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, आपको पता चाहिए न्यूक्लियर के थ्रू अगर हम एनर्जी डेवलप करते हैं तो क्लाइमेट से पे इंपैक्ट जो इसका कम आएगा। इसके अलावा रिप्लेसिंग कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जैसे कि अभी आपको पता है हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं कोल का, इसका कम इस्तेमाल होगा अगर हम न्यूक्लियर वाली एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होगी। न्यूक्लियर एनर्जी एंड फॉरेन पॉलिसी नेक्सस, न्यूक्लियर एनर्जी प्लेस अ सब्सटेंशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बायलेटरल रिलेशन एंड अमंग अदर्स नेशन, तो इसमें भी मदद मिलेगी। अब लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर। पहला चैलेंज है यूरेनियम कंटेमिनेशन का, ठीक है, इसके खतरा बना रहा है कि रह रहा है कि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो कंटेमिनेशन होगा। किस चीज़ का? यूरेनियम कंटेमिनेशन होगा ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू माइनिंग। अगला है प्योरिटी ऑफ यूरेनियम। इन कंपेरिजन टू वर्ल्ड अकरेंसेस यूरेनियम डिपॉजिट इस्टेब्लिश इन इंडिया आर मोस्टली ऑफ लो ग्रेड। आपको बताना चाहिए भारत में जो यूरेनियम के डिपॉजिट हैं वो लो ग्रेड के हैं। अगला चैलेंज है एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्ट का। फॉलोइंग द 2011 फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर इन जापान, तो ये जापान में डिजास्टर हुआ था, पॉपुलेशन अराउंड द प्रपोज इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट साइट्स हैव लॉन्च प्रोटेस्ट। ऑब्वियसली जहाँ पे आप न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप कर रहे हो तो वहाँ के जो लोग हैं भारत में वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे सेटअप नहीं करा जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि हम लोगों ने जो जापान में हुआ था डिजास्टर वो हमने देख लिया है, ये चैलेंज है। इसके अलावा सिंसिंग विद द फॉरेन प्लेयर्स, एंगेजिंग विद द फॉरेन सप्लायर्स मीन्स डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ कैपेसिटी क्यूड बुकिंग एंड अनसर्टेनिटी, ये भी बहुत बड़ा इशू है, चैलेंज बना है। कुछ अदर इश्यूज भी हैं, फैक्टर्स सच एज प्रॉब्लम ऑन लैंड एक्विजिशन, है ना, लैंड एक्विजिशन को लेकर अभी भी भारत में प्रॉब्लम है। रिहेबिलिटेशन, रिसेटलमेंट ऑफ अफेक्टेड पर्सन, ये भी चैलेंज है। रिजर्व फॉरेस्ट, टाइगर सेंचुरी लोकेशन, सोशियो पोलिटिकल इशूज, पब्लिक कंसेंसस, ये भी सारे के सारे इशू बने हुए हैं। तो वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड में हम लिख सकते हैं सर्टेन स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर। दिस इंक्लूड्स, कौन कौन से हम लिख सकते हैं स्टेप। पहला है एंश्योर करना मेंटेनेंस ऑफ द स्किल बेस, दूसरा है मेंटेन करना कंटिन्यूड इफेक्टिव सेफ्टी रेगुलेशन, इसके अलावा फॉस्टर प्रोग्रेस ऑन फैसिलिटीज फॉर वेस्ट डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट मस्ट बी गिवन सीरियस कंसिडरेशन। अगला है मेंटेन एंड री इन्फोर्स इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन अग्रीमेंट। तो ये सारे के सारे वे फॉरवर्ड में आप स्टेप लिख सकते हो, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है सोलर फ्लेयर और जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स। तो सोलर फ्लेयर तो आपको पता ना, सूरज से जो लपटें निकलती हैं उन्हीं को कहा जाता है सोलर फ्लेयर। लेकिन इस टॉपिक को दोस्तों अगले लेक्चर में कवर करेंगे, आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।